आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सावन में भगवान भोले भक्तों के काफी करीब आ जाते हैं। शायद यही वजह है कि पूरे सावन के एक महीने भगवान भोले को याद करने के साथ साथ सावन के गीतों पर महिलाएं झूमती हुई भी नजर आती हैं। आज प्राइम टीवी आपको सावन के गीत और शिव की शक्ति को दिखाएगा। देखिए प्राइम टीवी की ये खास रिपोर्ट, शिव के बिना सावन अधूरा। भगवान शिव को समर्पित है सावन का महीना। झूमते गाते मनाया जा रहा है सावन। भोले के रंग में रंगे शिव भक्त। महिला कलाकार शिव भक्ति में हुई सराबोर। शिव के बिना सावन अधूरा, शक्ति के बिना शिव अधूरे। सावन यानी शिव, शिव यानी शक्ति। कहते हैं कि सावन में भगवान भोले भक्तों के काफी करीब आ जाते हैं। शायद यही वजह है कि पूरे सावन के एक महीने भगवान भोलेनाथ को याद करने के साथ साथ सावन के गीतों पर महिलाएं झूमती भी नजर आती हैं। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में बाबा भोले के दर्शन करने के लिए आम लोगों से लेकर कांवरियों का रेला चारों तरफ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम भगवान शिव की बात करें तो शिव के बिना सावन अधूरा है। ऐसे में कलाकार और उनके द्वारा सावन के गाने अगर आपको सुनने को मिल जाएं तो शायद सावन में इससे बड़ा संयोग और कुछ भी नहीं होगा। सावन में हरियाली तीज का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन महिलाएं अपना व्रत पूजा पाठ करती हैं और शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं। जी हां, गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में हरियाली तीज के अवसर पर सावन से जुड़े और कई भोलेनाथ के गीत गाए गए। सरसागर संस्था की अध्यक्ष सुनीशा श्रीवास्तव और उनके सहयोगी कलाकारों के द्वारा और भगवान शिव के गीतों को गाया जा रहा है और उस पर महिलाएं नृत्य भी कर रही हैं। इन महिलाओं का गीत आपको भगवान शिव के सावन के गीतों से सराबोर कर देगा। सावन का महीना यानी शिव का महीना, इस महीने की अपनी ही मान्यता है। भगवान शिव को अर्ध नारेश्वर माना जाता है, यानी शिव और शक्ति का रूप। शिव पूजनीय है, ऐसे में सावन माह में महिलाओं के कई त्यौहार आते हैं, चाहे वो हरियाली तीज हो या रक्षाबंधन। खासकर सुहागन महिलाओं का के लिए सावन का खासा महत्व होता है। ऐसे में हम मानसरोवर मंदिर में खड़े हैं जहां महिलाएं गीत गा रही हैं, सावन गीत गा रही हैं और एक दूसरे को मेहंदी लगा रही हैं। सुंदरता से सब लोग यहाँ पे हरी हरी साड़ियाँ पहने हुए, हरी चूड़ियाँ पहने हुए, जो सावन की असली पहचान होती है। हम बात करते हैं हमारे साथ मैडम, आप लोग, सावन का महीना है और यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हैं, सावन गीत गा रही हैं, तो सावन बीता रही है, क्या महत्व है सावन का? देखिए सावन के, मैं, हम तो पूर्वांचल में रहते हैं सर, पूर्वांचल में सावन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि यहाँ पे हम कजरी गाते हैं और पूरा पूर्वांचल तरह तरह की कजरी गाता है। मिर्जापुरी कजरी, बनारसी कजरी से गूंजता रहता है। तो हम सभी भी, हम सभी महिलाएं सावन में कजरी गाते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भोलेनाथ को मनाते हैं और बहुत खुश होकर के, बहुत ही सुहाग का ये दिन होता है, ये समय होता है। इस समय हम लोग हरी हरी चूड़ियाँ सोलहों सिंगार के साथ रहते हैं, मेहंदी लगाते हैं और जो है खुशी का इजहार करते हैं। तो यहाँ आप लोग कुछ गीत गा रही हैं, कजरी गा रही हैं, कुछ सुनाइए जो दर्शकों को हमारे सुन के आनंद ले सकें कि सावन में गीत का। जी बिल्कुल, हम आपको कजरी भी सुनाएंगे और हमारी सखियाँ सब कजरी भी सुनाएंगी। और लेकिन चूंकि पहले हम अध्यात्म की ओर चलते हैं इसलिए भोलेनाथ की ओर चलते हैं, तो भोलेनाथ पे बहुत अच्छे अच्छे गाने, गीत, कजरी, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी होते हैं भोलेनाथ को मनाना। तो हम सबसे पहले भोलेनाथ को मनाएंगे। काले के शिव के मनाइबे हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइबे हो, शिव मानत नाही। मानत नाही,
के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही। वो कहते हैं ना, पूरे भारतवर्ष के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अगर आपने कर लिए हैं और गोरखपुर के मानसरोवर बाबा गोरखनाथ के दर्शन नहीं किए तो यकीन मानिए आपका ये दर्शन अधूरा है। मेरी प्यारी सी गोरा बनेगी दुल्हनिया, हो सच के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, सोलह सिंगार मेरी गौरा करेगी, सोलह सिंगार मेरी गौरा करेगी, नथिया पहनेगी और बिंदिया पहनेगी, हो सच के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। सुहागनवा बाबा दे दमोर गवनवा, से दे दमोर गवनवा, उमरिया बीतल जाला हो नई हर में, उमरिया बीतल जाला हो नई हर में। सुहागनवा बेटी खेली कूदले हो से खेली कूदले हो, की आगे अगहन देव हो तोर गवनवा, की आगे अगहन देव हो तोर गवनवा। मानसरोवर मंदिर पर गाना गाती हुई ये महिलाएं कलाकार हैं और अपनी कला और सुंदर बोल के जरिए भगवान शिव और सावन के महत्व को बताते हुए नजर आ रही हैं। इनका मधुर गीत कानों को एक सुकून सा प्रदान करता है। देख सकते हैं आप कितने हर्ष उल्लास के साथ लोग यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, पूरी तरह से हंसी और ठिठोले में हुआ है। और ऐसा नहीं है, ये मानसरोवर मंदिर पे हर जगह जो है महिलाएं ऐसे ही टोली बजाती हैं, झूला झूलती हैं और एक दूसरे को जो है मेहंदी लगाती हैं, खुशी का इजहार करती हैं। और हरियाली तीज की बात करते हैं और सावन की बात करें, सावन में चूँकि सावन का महीना ही हरा होता है, रंग बिरंगा होता है, तो इसमें पूरी तरह से हरी चूड़ियां सोलह श्रृंगार करके महिलाएं यहां पर रहती हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं। सावन का महीना है, सभी शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। यही महीना है भोले को मनाने का, क्योंकि शिव अवगर्दानी है, इसीलिए सच्चे मन से भोले की पूजा करने से मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।